नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी पर हमारा विशेष कार्यक्रम श्रवणगर की खरी खरी, जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है और ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज हम श्रवण जी से जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल जो पहले दौर की पोलिंग हुई है 102 सीटों पर 21 राज्यों और यूनियन टेरिटरी को मिलाकर, उसका क्या मतलब निकाला जाए। जिस तरीके से वोटों का परसेंटेज कम हुआ है, उससे भी कई तरीके के सवाल खड़े हो गए हैं। क्या इसका फायदा विपक्ष को होगा, क्या इसका फायदा सत्ता पक्ष को होगा, और क्यों हिंदी पट्टी में विशेष तौर पर ये लोगों के बीच में, मतदाताओं के बीच में उदासीनता देखी जा रही है। तो सीधे पूछते हैं श्रवण जी से। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस विशेष कार्यक्रम में। क्या लगता है आपको? देखिए, जो रात के 10:30 बजे तक के आंकड़े हैं, उसमें तो ओवरऑल परसेंटेज ड्रॉप जो है 6.2% है, और वो एक क्रॉस है। मतलब कहीं ऐसा एक जगह नहीं है जहां कोई पॉजिटिव साइन है कि वहां परसेंटेज बढ़ा है। मतलब आप ऊपर से चलें, नीचे तक, अंडमान से चलें नीचे तक, आपको ड्रॉप ही मिलेगा 2019 के मुकाबले। एक तो यह कि ये जो मेरे हिसाब से ये सीटों की जो संख्या है वो 101 है, क्योंकि एक सीट का इलेक्शन स्थगित हो गया था, तो मेरे जानकारी में 101 सीटें हैं। ये टोटल सीटें हैं उसका 22% के करीब होता है जी। देखिए, ये बीजेपी के लिए अलार्मिंग है। क्यों है ये समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर टक्कर में अपोजिशन है, जिन स्टेट्स में जबरदस्त तरीके से कम हुआ है, वहां पर अपोजिशन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है जी, इसलिए अपोजिशन के नुकसान का कोई कारण नहीं है। मतलब अगर अपोजिशन तो ऑलरेडी इतने नुकसान में है कि उसका कोई नुकसान नहीं हो सकता। जो लॉस होना है वोटिंग परसेंटेज के ड्रॉप के कारण, वो केवल बीजेपी को हो सकता है, जो मतलब दिख रहा है। उसके कई फैक्टर्स हैं। उसके एक तो फैक्टर्स ये हैं कि कई सीटों पर बीजेपी के कैंडिडेट्स के हारने के जो अनुमान चल रहे हैं, उनकी खबरें आ रही हैं, उसमें ये ऐड करता है वोटिंग परसेंटेज का ड्रॉप होना। मतलब ये जो कई चीजें कंबाइंड हो रही हैं, कि जैसे कोई मध्य प्रदेश में फॉर एग्जांपल जो चेंज ऑफ गार्ड हुआ, मतलब जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया शिवराज की जगह, वो कोई बहुत अपील नहीं है, मतलब शिवराज सिंह के मुकाबले, कि वो लोकसभा को इम्पैक्ट कर पाते हैं। दूसरा ये कि ऑलरेडी वहां एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त तरीके से है, जो कि असेंबली इलेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही थी, जो कि सेव कर ली गई। तीसरा ये कि जो जिन 6 सीटों पर चुनाव लड़ा गया मध्य प्रदेश में, उनमें कम से कम 2 सीटें तो बीजेपी लूज कर ही रही है। उसमें एक छिंदवाड़ा की है कमलनाथ वाली, और एक मंडला की है जहां केंद्रीय मंत्री खड़े हुए हैं जो विधानसभा चुनाव भी हार गए थे, कुलस्ते, वग्गन सिंह कुलस्ते, वो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको विधानसभा चुनाव में खड़ा किया था निवास सीट से, और वो विधानसभा चुनाव भी हार गए थे, उनको लोकसभा का टिकट दिया क्योंकि कोई कैंडिडेट नहीं है। ये मंडला की सीट है, तो छिंदवाड़ा और मंडला की सीट है। राजस्थान में 25 में से 24 सीटें बीजेपी के पास है, एक सीट जो है वो भी इन्हीं के सहयोगी दल के पास थी, बेनीवाल जी की।
12 सीटों पर चुनाव हुआ, 6.7% ड्रॉप हुआ 2019 के मुकाबले। मुझे पक्की जानकारी है कि कम से कम शेखावटी की तीनों सीटें झुंझुनू चुरू और सीकर की जाटों के डोमिनेशन की सीटें हैं जाटों की। और पूरा इलेक्शन राजस्थान में इस बार मोस्टली जाति के आधार पर लगा है, कोई उसमें रिलीजन नहीं है। और जो जाटों की एकता है जो प्रदर्शित हो रही है, जैसे उत्तर प्रदेश में राजपूतों की या गुजरात में राजपूतों की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैसे राजपूतों का कह रहे हैं, राजस्थान में भी कह रहे हैं, तो ये जाटों का मामला है। यूपी में मतलब ये जो ड्रॉप है जो परसेंटेज का, ये उन्हीं सीटों का है जहां वोटिंग हुआ है, मतलब ये अक्रॉस पूरे स्टेट का नहीं है। तो इसका ये मतलब है कि जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, ये उनके खिलाफ ड्रॉप है। तो जो 8 सीटें हैं वेस्टर्न यूपी की जहां ड्रॉप हुआ है, सहारनपुर, केराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, यहाँ पे 6.8% हुआ है, बहुत सिग्निफिकेंट है। आप सोचिए कि कल्पना करिए कि 8 में से अगर 3 सीट भी चली जाए या 2 भी चली जाए तो उसको 80 के उसमें परसेंटेज में मल्टीप्लाई कीजिए कि 80 सीटों पर, मतलब 8 में से 2 गई तो 80 में से कितनी, ये इस पर मल्टीप्लाई। ये ट्रेंड दिखा रहा है, मतलब इट इज शोइंग द ट्रेंड। ये जो लॉस हो रहा है वोटिंग शेयर परसेंटेज में, ये कांग्रेस का या इंडिया अलायंस का गेन हो रहा है। वेस्ट बंगाल की 3 सीट्स हैं, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार और अलीपुरद्वार, नॉर्थ बंगाल की बीजेपी डोमिनेटेड एरिया, 7.2% कम हुआ। राहुल गांधी ने अपनी यात्रा वहीं से शुरू की थी, बंगाल में उसी इलाके में घूमे थे। वो टीएमसी का इलाका नहीं है पर टीएमसी ने काफी वहां काम किया है, मतलब उन्होंने काफी मदद अदद भी की, कल्टीवेट किया पूरे इलाके। अगर 3 में से 1 सीट भी खसक जाती है, हालांकि 2 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है, कूच बिहार की सीट और अलीपुरद्वार की सीट का माना जा रहा है, उसका जलपाईगुड़ी को थोड़ा सा वो मान के चल रहा है, पर एक भी चली जाए 3 में से, तो आप ये मान के चलिए कि जो आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी संकट में है, तो संकट कहाँ है? 42 सीट्स है बंगाल में और उसके 3 का आपने एक सैंपल ले रहे हैं, एक चावल आप टेस्ट कर रहे हैं हिंदू डोमिनेटेड एरिया में, और 70% हिंदूज हैं बंगाल में। बंगाल में 14 सीट, आसाम में 14, महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं और वहां 5.6% का ड्रॉप हुआ है, 5 सीटों पर चुनाव हुए हैं। और असम में भी 5 सीटों पर हुए हैं, वहां 14 सीटें हैं और वहां 6% का ड्रॉप हुआ है। और असम में बीजेपी के पास 9 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 3 सीटें हैं और दूसरों के पास 2 सीटें हैं। ये बड़ा सिग्निफिकेंट लॉस है आशुतोष जी, ड्रॉप है, मतलब लॉस नहीं ड्रॉप है, जो लॉस में कन्वर्ट होने के इंडिकेशंस देता है कि जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है वो इसको उसको सफर करना पड़ेगा, क्योंकि जो लॉस है वो उन लोगों का नहीं है जो उनको जितवाना चाहते हैं अपोजिशन को, और वो नहीं गए। आपको ये मानना चाहिए जो जितवाना चाहते हैं वो तो गए हैं, जो ये मान के चल रहे हैं कि ये तो जीती रहे, इनकी अपनी सरकार है, उतने ही हुकुम है सब, उनके लिए नुकसान है। तो ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो है आशुतोष जी, ये काफी चिंता में डालने के लिए पर्याप्त है बीजेपी को।
अब देखिए अपने को चूंकि टाइम का संकट है इसलिए समेटना है कि जो विजिबल लॉसेस हैं बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में बहुत सिग्निफिकेंट हैं, क्योंकि ये सब स्टेट्स नॉर्थ में है। अगर आप ये सोचिए तमिलनाडु में भी पोलिंग का परसेंटेज कम हुआ है, 4.5% के करीब कम हुआ है तमिलनाडु में, इफ आई एम करेक्ट। पर तमिलनाडु का लॉस इसलिए वहां महक का नहीं है कि वो लॉस अगर हुआ है तो वो डीएमके का ये नहीं हुआ, डीएमके का ही लॉस है। हाँ, 4% है, 5% है। तो वहां मुद्दा ये है कि 39 में से 39 मिलेंगे कि एक आध सीट कम मिलेगी, ये है। वहां ये नहीं है कि बीजेपी को बहुत जबरदस्त वो मिल जाएगा। अब साहब साउथ आपके हाथ से गया, साउथ की 150 सीटें हैं, वहां आपके पास 37 सीटें थी 2019 में, जिसमें कर्नाटक की भी शामिल है और जो इस बार जाने वाली है, और स्ट्राइक रेट आपका ऑलरेडी 24% है उन 150 सीटों पर, वो जो कम हो जाएगा उसमें, पर उसमें 137 सीटें हैं उसमें आपकी तेलंगाना की भी है 4 और कर्नाटक की भी, वो कम होने वाली है, तो स्ट्राइक रेट हो सकता है आपका 18% पे आ जाए जी। साउथ की 150 सीट, 150 सीटें वो, 102 सीटें, 101 सीटें ये, और ये जो अगला फेज है सेकंड फेज 89 सीटों का, ये भी खतरनाक है। जो सेकंड फेज है जिसमें जो स्टेट्स हैं, अपन अभी टाइम नहीं है इसलिए बात नहीं कर रहे जी। अब कारण क्या है, आप पूछेंगे कि सर आपने ये तो बता दिया क्या हुआ, कारण क्या है? तो लहर नहीं है, कोई लहर नहीं है। आज वो मैं उनको जो त्रिवेदी जी हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी, वो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो ब्रीफिंग थी सुन रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि लहर है, दिख नहीं रही। मैंने वो एक ये नड्डा जी ने जो इंदौर में कहा था उसका फोटो भेज दिया जो अखबार में छपा था, जो कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा कि कोई लहर नहीं है, लहर के भरोसे मत रहना, आपको जमीन पे काम करना पड़ेगा, तो कोई लहर नहीं है। दूसरा सवाल ये कि लहर क्यों और कैसा क्यों होना चाहिए, कैसी होना चाहिए, मतलब आपका काम इस तरह का होना चाहिए ना कि आप लहर के भरोसे कैसे रहेंगे जी। अब आपने कहा कि मंदिर लहर पैदा कर देगा, तो मंदिर ने नहीं की, मोदी फैक्टर ने डिड नॉट वर्क, मतलब मोदी जी का जो फैक्टर था वो भी फ्लॉप हो गया। तो काम क्या हुआ, काम क्या आया, मतलब एक सवाल ये कि भाई ये सब हो रहा है तो काम क्या आ रहा है यार। एंटी इनकम्बेंसी काम आ रही है और राहुल का फैक्टर काम आ रहा है, अपोजिशन की यूनिटी काम आ रही है, और मैं ये मान रहा हूं कि ये ड्रॉप जो वोटिंग शेयर परसेंटेज में है, ये सेकंड फेज में भी अगर कंटिन्यू रहता है और थर्ड फेज में भी कंटिन्यू रहता है, दोनों में 89 सीट्स हैं और काफी महत्वपूर्ण स्टेट्स हैं, इसलिए बीजेपी के लिए थोड़ा सा मुश्किल का टाइम है, जो संकट है। हालांकि सी वोटर वाले अभी भी नहीं मानेंगे, पर अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सुन रहा था कार्तिकेय जी जो कह रहे थे सुबह, तो इसलिए अभी तो जो दिख रहा है वो तो अच्छा नहीं दिख रहा है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू।